सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू लूड गेमर्स। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू ओबी 30 जो अपडेट है उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं और कोई कोई चेंजेस बेकार भी होते हैं जो कि आप में से बहुत कम ही लोगों को पसंद आता है। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करने वाले। सो गाइज, बस यार अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अवर इंट्रो। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले ट्रेनिंग ग्राउंड के बारे में। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग ग्राउंड में जो है गरेना वालों का ऐसा मानना है कि भाई बहुत ज़्यादा कम स्पेस है लड़ने के लिए, एनिमी को स्पॉट करने में टाइम लगता है। एंड इसीलिए गाइज, जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसमें से बहुत सारे आइटम्स हट रहे हैं। अब गाइज, मेरे को ये तो नहीं पता कौन से आइटम हट रहे हैं क्योंकि मैंने एडवांस सर्वर चेक नहीं किया है। ये जो भी डिटेल्स है गाइज, मैं वो गरेना के ऑफिशियल साइट से लेके आया हूँ। एंड गाइज, अगर आप भी यही सोच रहे थे कि ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड की थीम वापस आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वही का वही ट्रेनिंग ग्राउंड है। अब ये चीज़ मेरे को तो कोई भी कुछ भी अफेक्ट नहीं करती है, मेरे को ये वाले ट्रेनिंग ग्राउंड की आदत है। बट बात की जाए ओल्ड प्लेयर्स की, तो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। एंड हाँ, कई ओल्ड प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो गाइज, अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैटल रॉयल। सो गाइज, बैटल रॉयल में बहुत सारे अपडेट्स आए, मतलब ज़्यादा नहीं पर फिर भी सबसे पहला अपडेट तो है। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस छोटे से अपडेट के बारे में जो है क्या कहते हैं रिवाइवल पॉइंट के बारे में। एंड गाइज, इसमें क्या होगा कि अब आप लोग को नॉर्मली रिवाइवल पॉइंट जो है उसका काउंटडाउन मैप पे भी दिखेगा। अब जहाँ तक कि मुझे याद है, अगर आप लोग रिवाइवल पॉइंट के पास होते हो तभी आप लोग को रिवाइवल पॉइंट का काउंटडाउन दिखता है, पर अगर आपको उसका काउंटडाउन देखना है तो आप लोग मैप भी खोल के देख सकते हो। एंड ये छोटा सा फीचर है ऐसे तो, पर हेल्प भी बहुत ज़्यादा करने वाला है। एंड और भी बहुत से फीचर्स है। एंड ये जो ऑफिशियल साइट है गरेना की, वहाँ पे सारे फीचर्स मेंशनड है जैसा कि मैंने कहा था। सो अगर वो पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोग को लिंक दे दूँगा ऑफिशियल साइट की। सो गाइज, अब हमारा जो दूसरा फीचर आता है वो ये है कि अगर आप लोग अब जोन के बाहर रहते हो तो आप लोग को थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि अब आपको जोन के बाहर 10% ज़्यादा डैमेज मिलेगा कंपेयर टू पहले का डैमेज। सो गाइज, यार ये उन लोगों के लिए बुरी बात है जो लोग जोन में बाहर रह कर ही कैंप करते हैं। एंड गरेना ये बात जानती के लिए इसलिए उसने पूरा ये सब सोच के ही ये फीचर स्पेशली निकाला है। सो गाइज, अब बढ़ते हैं अगले फीचर के ऊपर। सो गाइज, अगला फीचर है एयर ड्रॉप वेंडिंग मशीन। भाई ऐसे तो इसका नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इस फीचर के बारे में। सो गाइज, इस फीचर को यूज़ करके आप लोग आई थिंक सो अपनी वेंडिंग मशीन को कहीं पर भी बुला सकते हो। एंड ये फीचर भाई ऐसा लिखा हुआ है गरेना ने, पर गाइज मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को ये नहीं पता इसको यूज़ कैसे करेंगे। ये तो तभी पता चलेगा जब ये फीचर हम लोग को गेम में देखने मिलेगा। सो गाइज, अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में जो कि है क्लैश स्क्वाड। मेरे लिए ये फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं क्लैश स्क्वाड का प्लेयर हूँ, मतलब कि भाई ऐसे तो हर कोई प्लेयर है बट मैं क्लैश स्क्वाड बैटल रॉयल से ज़्यादा खेलता हूँ। सो या गाइज, ये फीचर यह है कि अब आप लोग क्लैश स्क्वाड में 6v6 भी कर सकते हो। बट गाइज, मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो 6v6 है नॉर्मल CS रैंक में या फिर क्लैश स्क्वाड में नहीं होगा, ये जो 6v6 होगा वो आप लोग कर सकते हो ओनली इन द कस्टम। ऐसे तो भाई ये ज़्यादा खास नहीं है, मतलब खास तो है पर इतना खास इसलिए नहीं है क्योंकि भाई क्योंकि ये CS रैंक या फिर CS में नहीं आया, बट फिर भी भाई अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बात है कि अब हम लोग कस्टम में ज़्यादा लोगों को खिला सकते हैं। एंड या गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको ये फीचर अच्छा लगा या फिर बेकार। आई डोंट थिंक सो, किसी को ये फीचर जो है बेकार भी लगा होगा। एंड गाइज, विंसेंस और BNL जैसे बंदों के लिए तो ये अच्छा ही है। अब पहले वो लोग 1v4 करते थे एंड अब ये लोग करेंगे 1v6। एंड गाइज, इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो CS रैंक का न्यू सीज़न है वो भी एक दो दिन बाद ही आ जाएगा। एंड गाइज, इस सीज़न में अगर आप लोग भाई गोल्ड 3 तक पहुँचते हो, लेट्स से अगर आप लोग गोल्ड 3 पे पहुँचते हो, हाँ गोल्ड 3 ही था, तो अगर आप लोग गोल्ड 3 पे पहुँचते हो तो आप लोग को मिलेगी गोल्डन M4A1 की स्किन। एंड गाइज, शायद से क्लैश स्क्वाड से M187 जो है वो भी रिमूव हो गई है। सो गाइज, अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के बारे में। सेकंड नहीं भाई, पता नहीं कौन से नंबर का टॉपिक है, या फोर्थ टॉपिक के बारे में। सो गाइज, ये है
कैरेक्टर्स। सो गाइस सबसे पहले तो अगर बात की जाए मैक्सिम की, तो उसके सर पे अब एक टोपी होगी जो कि कुछ इस टाइप की दिख रही है। एंड मैं पर्सनली बताऊँ तो ये भाई मतलब कि फ्री फायर वालों ने साइट पर नहीं बताया था, ये मेरे को आयुष भाई के अपने वीडियो से पता चला। ओके सो गाइस ये तो हो गई भाई मैक्सिम की बात। एंड अब चलते हैं दूसरे कैरेक्टर के ऊपर जो कि है हमारा जय। सो गाइस जय की जो माइक्रोचिप है अब वो बाय कर, अब आप लोग उस चिप को स्टोर से भी बाय कर सकते हो जो कि जय यूज़र्स के लिए अच्छी बात है। बट आई डोंट थिंक सो जय को ज़्यादा कुछ बंदे यूज़ भी करते हैं। अगर आप लोग जय को यूज़ करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस अब चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। सो गाइस हमारा अगला कैरेक्टर है क्रोनो। सो गाइस क्रोनो की एबिलिटी में एक बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर चेंज है जो कि क्रोनो यूज़र्स को अफेक्ट करने वाला है। सो गाइस सबसे पहला चेंज जो आता है वो ये है कि क्रोनो की जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब कि चार्ज होने की टाइम ड्यूरेशन, उसको 220 सेकंड्स कर दिया गया है। एंड गाइस बस इतना ही नहीं, साथ ही साथ इसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो अब ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, बस 10% ही इंक्रीज़ होगी, जो कि अगेन भाई बुरी बात है। एंड इसका जो भाई शील्ड होती है उसकी ड्यूरेशन को भी कम करते हुए मैक्स लेवल पे 5 सेकंड कर लिया गया है। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो कि फर्स्ट लेवल पे क्या होगा, तो फर्स्ट लेवल पे इसकी जो शील्ड होगी उसका गाइस उसकी ड्यूरेशन है 3 सेकंड। एंड सेकंड लेवल पे भी यही होगी। एंड मूवमेंट स्पीड वगैरह और भी अगर आप लोग को बहुत सी चीज़ें जानना है तो जैसा कि मैंने कहा साइट पे विजिट कर सकते हो, पर भाई पहले पूरा वीडियो देखना फिर साइट पे जाना। एंड गाइस अब बात हम लोग बात करने वाले हैं अगले करेक्टर के बारे में जो कि है गैस हु वुकोंग चचा। ओके गैस वुकोंग को जो है पिछले अपडेट के बाद से हर कोई यूज़ करता है, यहाँ तक कि मैं भी यूज़ करता हूँ। एंड इसकी एबिलिटी कौन यूज़ ना करे भाई इसको, हाँ इसकी एबिलिटी है इतनी खास। एनी वेज गाइस सो वुकोंग को भाई हर कोई यूज़ करता है जैसा कि मैंने आपको कहा, बट इसकी एबिलिटी को भी कमज़ोर कर लिया गया है। जी हाँ गाइस, सो गाइस इसकी एबिलिटी जो है वो चेंज करके कर दी गई है, चेंज तो नहीं की गई है पर जैसा कि कहा मैंने इसको गिरा दिया गया है। वो ये है गाइस कि भाई इसकी एबिलिटी में पहले आप लोग वुकोंग बन के तेज़ मतलब कि आप लोग जो स्टिक से चल सकते थे, बट गाइस अब वो स्पीड जो होगी भाई उसको और भी स्लो कर दिया गया है। यार मैं तो कहूँगा यार क्या कर रहे हो यार अरेना वालों, पहले ही ऑलरेडी भाई जो स्टिक से चलते थे वुकोंग में भाग तो सकते थे नहीं, ऊपर से अब आप लोग ने ये कर लिया भाई जो स्टिक से चलने में भी स्लो मूवमेंट स्पीड। एनी वेज गाइस सो यार, एंड गाइस आज के इस वीडियो में भाई मैंने आप लोग को कुछ करेक्टर्स के बारे में नहीं भी बताया है, और भी करेक्टर्स में है भाई इंप्रूवमेंट, पर इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हो भाई और बेकार भी किया है, बिगाड़ा भी बहुत से करेक्टर्स को, पर उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं जो दो न्यू कैरेक्टर्स आने वाले हैं उनके बारे में। एंड इस टॉपिक के बाद हम लोग बात करेंगे भाई सिस्टम के बारे में, एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे मोड्स के बारे में। सो गाइस हमारे पहले जो कैरेक्टर है उसकी स्किल का नाम है मेमोरी मेज। एंड गाइज इसकी जो उसके लिए कुछ ऐसी है कि अगर आप लोगों ने बाई चांस किसी एक बंदे को भाई मार लिया, ठीक है, सो उसके आसपास जो भी बंदे होंगे 50 मीटर के आसपास उसके जो भी बंदे होंगे उनकी जो लोकेशन है डिलीवर हो जाएगी आप तक एंड आपके टीममेट्स को भी। सो गाइज यार ये बंदा तो पूरा ये जो कैरेक्टर है मुको का काम भाई कर रहा है अपना। एंड गाइज जो हमारे दूसरे मिस्टिल कैरेक्टर की स्किल है वो ये है कि नहीं पहले उसका नाम बता देता हूँ। सो गाइज उसके स्किल का बजर बीटर। एंड भाई अब बात कर लेते हैं उसकी स्किल क्या है। सो गाइस अगर आप लोग भाई कोई भी कॉम्बैट को यानी कि फाइट को सर्वाइव कर लेते हो, सो गाइस आप लोग को वहाँ पे पूरी 30 HP आपकी रिकवर हो जाएगी, जो कि एक अच्छा ही फीचर लगा मेरे को तो यार। सो गाइस अब बात कर लेते हैं गन्स के बारे में। एंड इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा गन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, उन गन्स के बारे में बात करेंगे जिनका मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। सो गाइस सबसे पहले तो बात कीजिए एडजम की, तो उसका डैमेज जो है बढ़ा लिया गया है। एंड अब बात कीजिए ग्रेनेड की, सो ग्रेनेड में एक बेकार चीज़ है वो ये है, ग्रेनेड यूज़र्स के लिए ये बेकार तो वो ये है गाइस कि ग्रेनेड का जो डैमेज है थोड़ा बहुत कम कर लिया गया है। एंड साथ ही साथ गाइस वो ये बात की जाए दो न्यू वेपन्स आ रहे हैं हमारे गेम में, जो है एक है ट्रीटमेंट स्नाइपर एंड दूसरा तो भाई कुछ भी नहीं है, मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया। एंड गाइस साथ ही साथ भाई जो गाइस क्या कहते हैं स्पार्क 12 है उसका जो रेंज है गाइस बढ़ा लिया गया, डैमेज नहीं बढ़ाया आई थिंक रेंज बस बढ़ी है। एंड गाइस वेक्टर को जो है भाई और उसका डैमेज वगैरह जो है कम कर लिया गया शॉर्ट रेंज के अंदर।
सो गाइस अब बात कर लेते हैं मूड्स के बारे में। सो गाइस ऐसे तो कोई भी नया मूड नहीं आया है, बस क्या हुआ लोन वुल्फ जो है वापस आ रहा है, जो कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा है भाई। एंड आई होप सो आप सभी को भी भाई लोन वुल्फ की मतलब आदत लग गई होगी एंड आप लोग भी वेट करोगे लोन वुल्फ के वापस आने का। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं फ्री फायर मैक्स के बारे में कि फ्री फायर मैक्स का क्या सीन है। सो गाइस जैसा कि आप लोग को पता होगा फ्री फायर मैक्स जो है आज रिलीज़ होने वाला है, एंड जिनको नहीं पता भाई आज रिलीज़ होने वाला है। एंड गाइस आज आप लोग अगर तो आप लोग को वाइज जो है बहुत ही सारे मतलब रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर लेना क्रिमिनल वगैरह नहीं, पर हाँ अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक ठाक रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो गाइज फ्री फायर मैक्स जो है आज आ चुका है भाई, अपडेट के दिन ही आया, जिसमें भाई जो भी बंदा अपडेट मतलब फ्री फायर के बिना जी नहीं सकते ना, वो फ्री फायर मैक्स डाउनलोड करके खेल ले। वैसे सही किया यार फ्री फायर वालों ने, गरेना वालों ने ये करके। सो अब गाइज बात कर लेते कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि सबसे पहली चीज़ गाइज वो ये है कि अब से आपको गिल्ड में जो है गाइज और भी नई नई क्रेट्स देखने को मिलेगी, जो कि आप अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर सकते हो, जो कि अगेन एक अच्छी बात ही है। एंड गाइज अब बात कर लेते दूसरे फीचर के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड गाइज ये फीचर है गैस वॉट गाइज, ये आई होप सो आप लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता सुन लो, रीप्ले का। अब गाइज रीप्ले मैं इसको कह रहा हूँ, आप लोग को समझे नहीं होंगे गाइज, मैं आप लोग को बता दूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग की। अब गाइस आप लोग को कुछ भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को रीप्ले का बटन एक ऑप्शन आएगा जिससे आप लोग गेम प्ले डाउनलोड कर सकते हो। बट गाइस अभी भी मैंने जो है ये पर्सनली नहीं देखा एंड मैं श्योर नहीं हूँ कि हम लोग मतलब कि पूरा का पूरा गेम प्ले रिकॉर्ड हुआ होगा उसमें। ऐसा हो सकता है कि उसमें बस गेम की हाईलाइट रिकॉर्ड हुई हो। सो भाई इस पर मैं तो श्योर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से समझा भी नहीं हूँ। सो अगर आप लोग को भी समझ रहे हैं अभी भी कह रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में गरेना के ऑफिशियल साइट की जहाँ पे उसने पैच नोट्स दिए हैं। एंड अगर आप लोग को भाई डिस्क्रिप्शन की लिंक से नहीं जाना तो आप लोग क्या कर सकते हो, फ्री फायर खोलो, उसमें ऑप्शन आएगा भाई पैच नोट्स का, ठीक है, तो वहाँ पर क्लिक करो, आप लोग को सब मिल जाएगा स्क्रोल करते जाना। सो बस यार गाइज आज के लिए नई वीडियो अभी तक देख रहे हो, पसंद आ रहा हो पसंद ही आ रहा होगा अगर अभी तक देख रहे हो तो गाइज लाइक कर दो यार, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। सो गाइज सब्सक्राइब कर दो एंड गेम प्ले अपना भी खतरनाक लिया गाइज आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो लिया गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Young Ting, you going crazy. Oh no.